अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ नीलोफर सरवर अंसारी और आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट के चाइनीज़ पकोड़े। ये ओरिजिनल रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे इसी तरह से बनाइएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं तो ये बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो देखें किस तरह से बनाए जाते हैं ये पकौड़े, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पत्ता गोभी को अच्छे से साफ़ करके धो लिया था और उसके बाद हमने इसे चॉपर में इस तरह से बारीक कट कर लिया है। इन पकौड़ों के लिए इसी तरह से बारीक कट करना है आपको। तो इसके बाद हमने इसे 3 कप के इतना इस्तेमाल किया है, जो 250 ml का कप होता है ना, उससे हमने इसे 3 कप लिया है। तो बस इसे हमने प्लेट में निकाल लिया और इसके बाद हमने 1 कप गाजर इसमें कसकर ऐड कर दी है। तो जो गाजर है वो 1 ली थी हमने, तो वो भी कुछ 1 कप की नहीं थी। अब हम इसमें ग्रीन चिली सॉस ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून। और 4 टेबल स्पून ही इसमें रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे। टू टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, हमने डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। और 1/4 कप इसमें शेज़वान चटनी ऐड कर दें, हमने इस कंपनी की शेज़वान चटनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कोई दूसरी कंपनी का है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने जो घर में बनाया होगा उसे भी। अब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, तो 1.5 कप हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, जो 250 ml का कप होता है उसी से। और 1 कप इसमें मैदा ऐड कर देंगे, इसमें 1/2 टीस्पून टमाटो रेड कलर ऐड करेंगे, और स्ट्रीट पे इससे ज़्यादा कलर ऐड किया जाता है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। इसमें हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें हमने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है, आपको बेकिंग सोडा ही ऐड करना है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। स्ट्रीट के पकौड़ों में इस वक्त अजीनोमोटो ऐड किया जाता है, अगर आपको अजीनोमोटो से प्रॉब्लम है तो आप अरोमेटिक पाउडर ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के इतना, और अजीनोमोटो ऐड कर रहे हैं तो 1/2 टेबल स्पून के इतना ऐड करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें हाथों की मदद से, और बस ये अच्छी तरह से तैयार है। इसे 5 मिनट तक इसी तरह से रहने दें साइड में। याद रहे कि हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हमने ऑयल को गर्म करने रख दिया था, ऑयल जो है मीडियम आंच पर गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, इतना गर्म ना हो जाए कि आप पकोड़े ऐड करें और फ्राई हो जाए। तो इस वक्त हमें ऑयल को इतना गर्म करना है कि पकोड़ा ऐड करने के बाद हल्के हल्के बबल्स निकलने लगे, तो बस इसी वक्त हम इसमें जो है पकोड़े ऐड कर देंगे। अच्छा, जैसे ही आप पकोड़े ऐड करना शुरू करें आंच को बिल्कुल स्लो कर दें, और उसके बाद जब सारे पकोड़े आप ऐड कर दें तब आप आंच को मीडियम कर दें, और इसे हम मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। तो जब एक तरफ से हल्का फ्राई हो जाएगा ना, उसी के बाद इसे पलटना है। तो कुछ 8 से 9 मिनट तक ये मीडियम आंच पर अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, इसके पहले आप ना निकालें। 8 से 9 मिनट में ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट फ्राई होंगे मीडियम आंच पर। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आप इसे 8 से 9 मिनट तक मीडियम आंच पर फ्राई करें। जब पकौड़ों को ऑयल में ऐड करें तो आंच को बिल्कुल स्लो कर दें, वरना कुछ पकौड़े जल्दी पक जाएंगे, कुछ को टाइम लग जाएगा, तो परफेक्ट फ्राई नहीं होंगे। इस बात का ख्याल रखते हुए आप इसे फ्राई करें, तो कुछ इस तरह से नज़र आएंगे फ्राई होने के बाद। अब जब ये 8 से 9 मिनट बाद इस तरह से फ्राई हो जाएं, तो निकालने से पहले आंच को वापस से स्लो कर दें और इसे निकाल दें। तो परफेक्ट 9 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे, इस वक्त हमने इसे निकाल दिया था। हम चाहते हैं कि आप जब भी हमारी कोई डिश ट्राई करें तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होनी चाहिए। अच्छा, हमने इसमें नमक का भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जो सॉस वगैरह हम इसमें ऐड करेंगे ना तो काफ़ी हो जाएगा, नमक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि नमक भी आपको इसमें ऐड नहीं करना है। तो बस ये तैयार हो चुके हैं, इसे हमने गर्मा गर्म सर्व करना है शेज़वान चटनी के साथ, और ये बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। जब आप इसे बनाएंगे ना तो कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने घर में तैयार किए हैं, इतने क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे ना। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रमज़ान में। रमज़ान के लिए हम आपके साथ बेहतरीन रेसिपीज शेयर करते जा रहे हैं, तो जो नए देख रहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कर दें। इतने सारे कुकिंग चैनल में आप हमारा चैनल वापस कहाँ से ढूंढेंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।